अब बात अगली खबर की करते हैं बिहार से, जहां अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा के दौरान ये बयान दिया गया था। सोशल मीडिया पर सांसद प्रदीप सिंह का बयान वायरल है। विवादित बयान के बाद अब विरोधियों के निशाने पर वो आ गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने विवादित बयान दिया। सियासी बखेड़ा इस पर खड़ा हुआ है। अपने बयान की वजह से वो विरोधियों के निशाने पर है। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का ये बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल उनका कहना था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तो बड़ी खबर आप को लेकर के अब सियासी वार पलटवार का दौर तेज है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, और सांसद के घर पिस्तौल लेकर शख्स पहुंचा। और आपको ये भी बताएं कि तेजस्वी ने कहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करोगे ऐसे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अररिया सांसद ने जो बयान दिया है उस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अररिया में रहना है हिंदू बनना होगा। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बयान से जुड़ी हुई। सांसद के घर पिस्तौल लेकर एक शख्स पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है। पकड़े गए शख्स का नाम अब्दुल गफ्फार बताया जा रहा है, जो बिना लाइसेंस की पिस्टल लेकर के पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी अब्दुल की पिस्टल जब्त कर ली है। ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो पिस्टल लेकर पहुंचा था अब्दुल गफ्फार। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है कि क्या मकसद था इसका। दरअसल अररिया सांसद प्रदीप ने ये बड़ी बात कही थी और कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। उसी के बाद ये मुस्लिम शख्स जो है वो पिस्टल लेकर के सांसद के आवास पर पहुंचा। बिना लाइसेंस की पिस्टल लेकर पहुंचा था, जिसके बाद आरोपी अब्दुल की पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। उससे पूछताछ भी पुलिस की टीम कर रही है। मासूम जो है, मासूम जो है कि मेरा दुश्मन है, वो बदमाश सबको लगा दिया है, इसीलिए मैं इस हथियार को अपने सुरक्षा के लिए रखा है। मैंने सी जी एम साहब को भी बोला था। कौन हथियार है? कौन हथियार है? क्या बोलता है, पिस्टल आपका अपना है, निजी है? हाँ, निजी है। चलिए, लाइसेंसी है? लाइसेंस आवेदन दिए हैं लेकिन बना नहीं। रोज का रोज जनता दरबार लगता है, और एक सिक्योरिटी वाला है सुभाष, वो ड्यूटी में था, वो जैसे ही छत के ऊपर आ रहा था उसका कमर का तलाशी लिया तो वो भागने लगा। उसको दबोच के मेरा गार्ड ने पकड़ा है और उसके कमर से जो है पिस्टल निकला है। तो उसका मानसिकता क्या होगा, पिस्टल लेके मेरे घर को आता है तो निश्चित रूप से अब यह जांच का विषय पुलिस ले गई है, उसको जांचेगी। और साकेत सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। साकेत, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ऐसे ही विपक्ष हमलावर है, और इसके अलावा अब जो बयान अररिया सांसद की तरफ से दिया गया है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, उसको लेकर के भी सियासत गर्माहट जो है वहां की देखी जा रही है। क्या वहां से अपडेट, और साथ ही इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है, जो अब्दुल वहां पर पिस्टल लेकर पहुंचा, ये भी बताइए। देखिए, गिरिराज सिंह की जो ये यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वो सीमांचल के इलाकों में ही निकाला था उन्होंने, और खास करके ये जो तमाम इलाके हैं, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम की संख्या है, खास करके अररिया और किशनगंज में। तो ऐसे इलाके में जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं तो निश्चित तौर से कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है, और वो तस्वीर भी दिखी है। हालांकि जो प्रदीप सिंह ने जो बातें कही अपने भाषण के दौरान, ये भी कहीं से जायज़ नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो अररिया में रहना है जिनको, उनको हिंदू बनना होगा, ये कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि बाद में उस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी कि उनके बयान को तोड़ा गया है, लेकिन जो बात वो मंच से बोल रहे हैं वो पूरी तरह हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो एक मुस्लिम शख्स वहां पर पिस्टल लेकर पहुंच जाता है उनके घर पर, और चूंकि वहां पर पहले से, चूंकि कल ही प्रदीप सिंह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है बिहार सरकार की तरफ से, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने के चलते जो भी विजिटर्स उनके घर पे पहुंच रहे थे उनकी तलाशी हो रही थी, उसी तलाशी के दौरान इस शख्स के कमर से वो पिस्टल निकला। आपका साकेत, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इस पूरे मामले पर वार पलटवार जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है गिरिराज सिंह और सांसद प्रदीप सिंह के ऊपर। बीजेपी की जुबान नफरत वाली है, तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है इन लोगों की तरफ से।
प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गौडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर।